पिछला व्लॉग आपने देखा था अली भाई का, तो अब आप अली भाई को कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मिलेगा ठेका बेटा, मुझे हेलमेट लेके दो, हेलमेट दो मैं, मुझे ये ले दो मैं पूरा हफ्ता तुम्हारे पांव दबाऊंगा, ये ले दो वाली शक्ल है तेरी यार। अब आप उनको ऐसा कहो हां अली। सो फ्रेंड्स, आज हमें मिली है एडवांस ईदी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है अलविदा जुम्मा, माह रमज़ान का अलविदा जुम्मा, आखिरी जुम्मा है आज। माशाल्लाह से रोज़े कैसे गुजरे, कितनी स्पीड से गए हैं पता भी नहीं चला। तो बस अल्लाह पाक खैर से वक़्त लाए आगे आने वाला भी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज अलविदा जुम्मा है, तो इसीलिए हम फजर टाइम ही नहा लिए, सैरी करके नहा धो लिए। तो अब इंशाल्लाह सुबह जुम्मा पढ़ना है और फिर उसके बाद उमैर भाई ने आना है। तो थोड़ा काम था उनको, तो मैंने उनको भी मैसेज किया, अभी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उन्होंने आ जाना था। दरअसल उनके पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो आ जाएंगे, मतलब कि सुबह आएंगे वो, या तो जुम्मे के बाद आएंगे। तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होती है। फिर उसके बाद जो है हम शादी कार्ड बांटने जाएंगे। तो अगर मैं शादी कार्ड बांटने गया तो आप लोगों के साथ लाजमी व्लॉग भी शेयर करूँगा वो वाला भी। तो जैसे जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग देख ही जा रहे हैं, यार चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, व्यूवर्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबाओ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग जब शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो जाहिर सी बात है उनको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा कि मैं भी वीडियो डेली व्लॉगिंग करूँ और डेली अपलोडिंग करूँ। तो खैर कोई नहीं, अपलोडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। अब जैसा है कि मैंने जाना है, अब क्या कहते हैं, मैं नहा लिया था, अब मैं सैरी करूँगा, ठीक है, सब बैठे हुए हैं। तो उसके बाद आपसे मिलूँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह जुम्मा पढ़ेंगे उठ के। तो ठीक है, फिर हम नाश्ता करते हैं और सैरी करते हैं जाके, फिर आपसे मिलते हैं। ये अलविदा जुम्मे के लिए उठे हैं सारे आज अलविदा अजान हो गई है फजर की, तो माशाल्लाह से सैरी भी हो गई थी और अब पढ़ेंगे हम नमाज। उमैर भाई से मेरी बात हो गई थी, तो वो कह रहे हैं कि मैं सुबह आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने पहले जाना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डायरेक्ट फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुबह 10-11 बजे उन्होंने आ जाना है। तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे, क्या पता मैं छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना है मैंने, क्योंकि उन्होंने भी आ जाना है। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठता हूँ, तो लेकिन इंशाल्लाह कल जल्दी उठना है, क्योंकि उन्होंने आना है लाजमी, थोड़ा बहुत काम था वो करवाना है। तो फिर उसके बाद आगे ईद आ जाएगी, तो आपको पता है ईद में तो काम होते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह ईद की जो वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, और कल हमने बनानी है टिकटॉक की वीडियो, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाजमी। हमारी एक वीडियो, दो वीडियो ऐसी वायरल होने वाली है ना कल, कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। मिलेंगे हम अब आपको सुबह, क्योंकि अब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद फिर हम सो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़। ये कहाँ से मिलेगा? सफाई तो हमारी हो गई रेडी। आज अली भाई नहीं आए, आज हमारे पास आए हैं उमैर भाई। पिछली बार अली भाई आए थे। उमैर भाई, पिछला व्लॉग आपने देखा था अली भाई का, तो अब आप अली भाई को कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मिलेगा ठेका बेटा, मुझे हेलमेट लेके दो, हेलमेट वाली। बहुत तेज हो रहा है यार, अब आप उनको ऐसा कहो अली ने लिया माशाल्लाह 15 प्रो मैक्स न्यू बाइक और 1 मिलियन। अच्छा, तीन ट्रीटमेंट, जब वो हमें तीन ट्रीट देगा फिर उसके बाद उसको हेलमेट देंगे। सोचेंगे, सोचेंगे, चलो हम तीनों मिलके फिर उनको हेलमेट दिला देंगे, बोला ये भी सोचेंगे। अच्छा, तीनों में से एक ने भी मना किया तो हेलमेट कैंसिल, ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर क्या कहते हैं उसको, ईद की तैयारी, ईद की तैयारी, बस कपड़े भी आए नहीं है, सिलने दिए हुए, देखो कब कब दर्दी देता है। ईद ये ईदी पहले दे देंगे ना, क्योंकि ईदी पे रश, ईद पे रश होता है, इस वजह से इसको ईदी दे देगा।
अली भाई को तो ईदी मिलनी नहीं है। अली बेचारा आप पढ़ता पे मंगता पे वो तो कह रहे हैं मुझे मेहर भेज देते हैं 10,000 रुपये। 10,000 अली अपने दिल के हिसाब से बात नहीं करता बात करता और पकड़ा जाता। अच्छा चलो इंशाल्लाह हम ईद पे मिलेंगे। हो सकता है अली मुझे शायद मैंने कहा था कोई 20-30,000 दे दे ईदी। हाँ वैसे मैंने इसको भी 30,000 भेजा वो ईदी थी। बहुत तेज हो रहा है। दे भी देंगे अली भाई का दिल बड़ा है यार। अली भाई को आप क्या समझते हो तीन ट्रीटें पड़ी अभी तक यार रमजान चल रहे हैं वो कह रहे थे रमजान गुजरेंगे फिर दे देंगे जब ट्रीट मांगते कुछ ना कुछ और ले लेता। सो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी वो ये थी कि ईद के बाद हो जाते हैं फंक्शन स्टार्ट सबके हो जाते हैं फंक्शन स्टार्ट। कुछ के शादियों के इवेंट आते हैं कुछ के मिलाद के इवेंट आते हैं कुछ के बकायदा कवाली एक्सेट्रा सबके इवेंट। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बताना था कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी कोई भी फंक्शन या कोई भी इवेंट करवाना हुआ तो सबसे पहले आप ये वीडियो चेक करें उसके बाद मैं आप लोगों को बता। सो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी आप लोगों को समझ भी आ गई होगी मैं किस बारे में बात कर रहा था। मैं इसी बारे में बात कर रहा था आप लोगों ने वीडियो देख ली माशाल्लाह से कितना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था कितना प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी। तो जिस मेरे भाई ने इवेंट करवाना हो जिस मेरे भाई ने शादी का काम करवाना हो तो वो इनसे लाजमी रब्ता करना टाइम के तो मैं कहता हूँ बिल्कुल पाबंद है ये बिल्कुल पाबंद है। आप लोगों ने जो भी इवेंट करवाना हो वो इनसे रब्ता करना मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा आप लोग लाजमी उनसे कॉन्टेक्ट करना और उनसे रब्ता करना। इवेंट के बहुत अच्छा इवेंट करा हम लोगों ने खुद इतना अच्छा इवेंट करवाया अपनी बर्थडे का मतलब शादियों का आगे भी इवेंट करवाते रहेंगे इनसे लेकिन आप लोगों को भी मैं अच्छी बात शेयर करूंगा आप लोग भी इनसे इवेंट करवाना। तो बाकी जो होगा अगर आप लोगों को किसी को समझ ना आए इंस्टाग्राम मैंने दिया गया अपना रिजवान अली 110 आप उधर रब्ता कर सकते हैं मेरे से नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उन भाई का मैंने नंबर दिया आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अब आ चुका हूँ घर ठीक है मेहर भाई आ गए थे जुमे के बाद ही आए थे और काम शाम हमारा सारा हो गया था उधर थोड़ी थोड़ी गपशप लगाई हमने व्लॉग मैंने छोटा सा बनाया लेकिन हमने काफ़ी बातें की। और दूसरा ये है कि अब मैं आ गया हूँ घर अब मैं पढ़ता हूँ असर की नमाज और घर में हो रहा है काम क्योंकि दरवाज़ा सही हो रहा है वेल्ड हो रहा है। तो बाकी मिलते हैं हम आपको वीडियो शीडियो बना लिया हमारा कैमरा मैन आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठा है ये देखो नीचे घुस के मेरे इसका का वीडियो पता नहीं वीडियो बनाता है बहुत देरी करता है यार बहुत देर करता है। अब हमने वीडियो बना ली है अब हम इंशाल्लाह कल या परसों वीडियो बनाएंगे संडे है तो इंशाल्लाह जब हम वीडियो बनाएंगे अब हम जा रहे हैं लाइटें शाइटें बंद करो और बार अली बुला रहे हैं बाय 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 बाय। हम दोनों को मिली है ईदी कद्दस को भी ईदी मिली है वो कद्दस को भी आज लक चल गई है दोनों की रातों रात मीर हो गए और आज मुझे भी ईदी मिली है और आज मुझे भी ईदी मिली है 1000 रुपए। सो फ्रेंड्स आज हमें मिली है एडवांस ईदी ईदी चेक करो एडवांस में ईदी मिली है आज हमें दोनों को तो हमें बड़ा अच्छा लगा बहुत ही खुशी हुई पहली ईदी हमें मिल चुकी है और जिसने भी ईदी देनी है वो हमें
हमसे रब्ता कर सकता है, कमेंट में रिप्लाई भी कर सकता है और ईदी भी दे सकता है, ठीक है। व्लॉग का एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे कि आपको पता है आज हमें मिली थी ईदी एडवांस में, और दूसरा उमर भाई आए थे, उनके साथ काफ़ी बातें हुई, काफ़ी इंजॉय किया हमने, काम करवाना था काम किया, छोटा सा ब्लॉग बनाया, बातें शातें की, बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह ईद की भी वीडियो हम लोग बनाने पहले चले जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग जो होगा वो मैं ईद पे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं पहले नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ईद की वीडियोस बनानी है हमने पहले ही, आप लोगों को पता है ईद में नहीं निकला जाता फिर। तो दूसरा ये है, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। मिलेंगे हम अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।